वालेकुम। तो बेटा मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को आज उर्दू का थर्ड चैप्टर। ये है आप लोगों की उर्दू की किताब मेंटोर उर्दू ख़जाना। तो बेटा आज है ये अपने फहरिस्त में थर्ड चैप्टर है आप लोगों का, लालच बुरी बला है। इसके लिए आप लोग सफ़ा नंबर 18 खोल लीजिए बेटा। लालच सबक नंबर 3 लालच बुरी बला है बेटा। बेसिकल तो ये आप लोगों की एक स्टोरी है, इज अ स्टोरी। आपने बहुत सारी स्टोरी अपनी मदर से, स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, अपने सिस्टर वगैरह से सुनी होंगी लालच के बारे में। तो बेटा ये भी एक तीन दोस्तों की कहानी है। पुराने ज़माने का जिक्र है कि एक जंगल से तीन दोस्त गुजर कर शहर जा रहे थे। अभी कुछ दूर ही गए थे कि एक की नज़र एक थैली पर पड़ी। तीनों ने आगे बढ़कर थैली को देखा और उठाकर जब खोला तो तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि इसमें बहुत सारी सोने की अशर्फियां हैं। तीनों बहुत खुश हुए और बोले कि ये हम तीनों आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे। जब वो चलते चलते एक शहर के नज़दीक पहुँचे तो काफ़ी थक चुके थे, तो तीनों ने फैसला किया कि कुछ देर आराम करके फिर शहर को चलेंगे। तीनों आराम करने और खाने के लिए बैठ गए। इनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं जाकर कहीं से कुछ खाने को ले आता हूँ। इसके दिल में लालच आ गई थी। इसने सोचा कि अगर सोना हम तीनों में बटेगा तो मुझे एक हिस्सा मिलेगा, और अगर मैं खाने में जहर मिला दूँ तो वो दोनों दोस्त मर जाएंगे और सारी अशर्फियाँ मेरी हो जाएंगी। इधर जंगल में भी बैठे दोनों दोस्त यही सोच रहे थे कि हम दोनों मिलाकर तीसरे का गला दबाकर मार दें तो ये अशर्फियां हम दोनों आपस में बांट लेंगे। जब इनका तीसरा दोस्त खाना लेकर आया तो ये दोनों दोस्त पहले ही तैयार बैठे थे। इन दोनों ने तीसरे दोस्त का गला दबाकर इसे मार दिया और ख़ुद खाना खाने बैठ गए। खाने में पहले ही जहर था, इसकी वजह से वो दोनों भी जहरीला खाना खाते ही मर गए। इस तरह लालच का अंजाम बुरा होता है और तीनों दोस्त अपनी अपनी लालच की वजह से मर गए और सोने की अशर्फियां किसी को भी ना मिली और वो जंगल में ही पड़ी रह गई। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि लालच बुरी बला होती है। तीनों दोस्तों ने लालच की कि सबसे ज़्यादा अशर्फियाँ उसे मिले, तो तीनों के हाथ कुछ ना आया और तीनों दोस्त अपनी अपनी लालच की वजह से मर गए। तो बच्चों हमारा आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।